हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल फॉर्म से रैंक फाइंड करने का एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। यूजुअली नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम रो और कॉलम दोनों तरह के ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। पहले प्लेस पर A11 पर 1 बनाते हैं, उसके थ्रू नीचे जीरोज बनाते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं और राइट साइड पर जीरोज बनाते हैं, फिर A22 पोजीशन पर 1 बनाते हैं, उसके नीचे जीरोस बनाते हैं, फिर राइट साइड पर जीरोस बनाते हैं, फिर नेक्स्ट प्लेस पर 1 बनाते हैं एंड सो ऑन। इस तरह से हम प्रोसेस करके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मेथड बताने जा रही हूँ जिसमें हम इस पोजीशन पर 1 बनाए बिना ही नीचे दोनों प्लेसेस को 0 कर सकते हैं। इसके लिए हम किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमें इन दो प्लेसेस को 0 बनाना है, तो इसके लिए सेकेंड रो में हम जो चेंज करेंगे वो होगा 2 times R2 - 5 times R1। ये हमने इसलिए किया है, जब हम इक्वेशंस सॉल्व करते थे तो उसमें से हमें जिस कोएफिशिएंट को 0 बनाना होता था उसके लिए हम ये प्रोसेस यूज करते थे। यहाँ पर हम फर्स्ट रो में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी वही प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसा करने से इस प्लेस पर 0 आ जाएगा क्योंकि हम R2 को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। अब हम R3 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। R3 का फर्स्ट एलिमेंट एक इवन नंबर है जो सीधे 2 का मल्टीपल है, तो इस कारण से हम R3 + 2 times R1 करेंगे तो ये डायरेक्टली ही 0 हो जाएगा। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा 2, 3, 4 - 1 और जो सेकेंड रो है और थर्ड रो है उसके ट्रांसफॉर्मेशन हम साइड में लिख लेते हैं। हमारे पास सेकेंड रो है 5 - 0 - 1, इसको हमें 2 टाइम्स करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड रो इज इक्वल टू 10, 4, 0 and -2 एंड -5 times R1 इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो में, तो यहाँ से आएगा -10 - 15, देन 4 into -5 - 20 एंड -1 into -5 + 5 ऐड कर लेंगे तो हमें 0 - 11 - 20 और 3 मिलेगा। इन एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। सिमिलरली अब हम थर्ड रो को चेंज कर रहे हैं, तो R3 के एलिमेंट्स हैं -4, 5, 12 and -1 और हम इसमें 2 times R1 ऐड कर रहे हैं, तो 2 times R1 यानी कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4, 6, 8 and -2 आ जाएगा। इसे हम ऐड करेंगे तो -4 + 4 = 0, 5 and 6 = 11, 12 and 8 = 20, -1 and -2 = -3। तो यहाँ पर हमें सेम एलिमेंट्स मिल गए हैं विथ अपोजिट साइंस, तो इसलिए हम R3 को इजीली 0 बना सकते हैं यूजिंग R3 + R2। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा 2, 3, 4 - 1, 0 - 11, -20 and 3 and 0, 0, 0, 0। अब हमें एक्चुअली इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट करना है, तो इसलिए इस 2 को हम 1 बना लेते हैं और अब ये आसानी से 1 बनाया जा सकता है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन C1/2। और भी बहुत से तरीके थे जिससे हम यहाँ पर 1 स्टार्टिंग में ही बना सकते थे, बट मैंने इंटेंशनली आपको इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया है। अब यहाँ पर C1/2 1, 0, 0 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट्स हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हमारा इंटेंशन होता है कि अगर हमने 1 और उसके नीचे जीरोस बना लिए हैं तो हम कॉलम वाइज हर फर्स्ट एलिमेंट को इस 1 की हेल्प से 0 बना लें। तो इसके लिए हम C2 में जो चेंज करेंगे वो होगा C2 - 3 times C1, देन C3 में चेंज करेंगे कॉलम 3 में -4 times C1 एंड C4 में चेंज करेंगे C4 + C1। ऐसा करने से इन तीनों प्लेस पर इजीली 0 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट्स 0 हैं इस वजह से नीचे के इतने एलिमेंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगा 1, 0, 0, 0, 0, -11,
-20 एंड 3 और लास्ट रो सारे एलिमेंट्स 0। अब हमारा पर्पस है कि हम इस -11 की पोजीशन पर 1 बना लें और उसके थ्रू यहां पर जीरोस बना दें। तो इसके लिए हम तीनों को ही कॉलम वाइज जो एलिमेंट यहां पर है उससे डिवाइड कर दें तो आसानी से हम यहां पर 1 बना सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म में ये कंपलसरी स्टेप्स नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, आप रो और कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं, जितनी बार चाहे पहले रो लगा सकते हैं, उसके बाद जितनी बार चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रिपीट कर सकते हैं। तो इसलिए हम C2 डिवाइडेड बाय -11 करेंगे, C3 डिवाइडेड बाय -20 करेंगे एंड C4 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। इससे हमें 100, 010, 010 एंड 010 इस तरह से मैट्रिक्स मिलेगा। यहां हमारे पास 3 एक जैसे कॉलम है तो इसलिए इनमें से एक ही कॉलम रहेगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। अब हम C3 -C2 एंड C4 -C2 इस तरह से लिख सकते हैं और इससे हमें मिलेगा 1000, 0100, 0000। और फाइनली ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स में रिड्यूस हो चुका है, जिससे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का मिल रहा है और बाकी एलिमेंट्स जीरो मैट्रिक्स के फॉर्म में मिल रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन मैट्रिक्स की रैंक को शो करता है, इस वजह से यहाँ पर रैंक 2 है। कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्म परफॉर्म कर रहे हैं तब हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करने हैं और जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहे हैं तब रो ही करनी है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर C3 C2 लिख दिया और यहाँ पर साथ में ही हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, क्योंकि एट अ टाइम अगर ये 1 फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो ये फर्स्ट कॉलम का भी एलिमेंट है और मैं यहाँ पर अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ तो इसका कहीं ना कहीं दूसरी रो से भी कनेक्शन है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मल फॉर्म के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।